ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन मिथिलांचल क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बट वृक्ष की पूजा की गई। गुरुवार को बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में जगह जगह पति की लंबी आयु की कामना लिए महिलाओं ने बट वृक्ष की पूजा नए नए परिधान और श्रृंगार के साथ की। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने पूरी विधि विधान के साथ बट वृक्ष की पूजा की। इस दौरान विभिन्न फलों के प्रसाद और अन्य पूजन सामग्रियों के साथ महिलाओं ने मिथिलांचल की संस्कृति और मान्यता के अनुसार पारंपरिक रूप से बट वृक्ष के जड़ को लाल धागा से बांधकर उसकी पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि बट सावित्री की पूजा हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन परंपरा अनुसार सुहागिन स्त्री पुराने बट वृक्ष की पूजा कर उसे पीले धागों से बांधकर उसका फेरा लगाती है। पुराणों के अनुसार बट सावित्री के ही दिन सती ने यमराज से अपने पति की प्राण बचाकर लाई थी। बट सावित्री का त्योहार सुहागिन स्त्रियों के द्वारा काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देखिए बट सावित्री पूजा कर सुहागिन महिलाएं इस पर्व की महत्ता को लेकर क्या कुछ बता रही हैं। पति की लंबी आयु के लिए इसमें एक दिन पहले उपास रह कर दूसरे दिन व्रत किया जाता है और बट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसमें फल फूल सारे पकवान पर लेके पंखा का ज्यादा महत्व है, इसी से पूजा किया जाता है। कथा तो होती है बट सावित्री की, व्रत कथा, उसके बाद फिर पूजा वूजा करने के बाद फिर पानी मिलता है एक दिन पहले भी और आज। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।